हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम एचपी टेट नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम नेक्स्ट के क्वेश्चंस करेंगे। यह सीरीज़ जो है आपके टॉप 100 क्वेश्चंस की रहेगी। 30 क्वेश्चंस हमने कल किए थे और आज कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास देखने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 31 इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 14 इज़। ऑप्शंस आर 0, 14, 7 या फिर 20। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, 0। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 14 इज 0। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन से कंपाउंड का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, एमोनिया, फॉस्फिन, एंटीमनी हाइड्राइड या फिर बिस्मथ हाइड्राइड। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फिन। फॉस्फिन इज द कंपाउंड विच हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन जो है वह प्रीवियस जो टेट के एग्जाम्स हुए हैं उनमें बार बार रिपीट हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को स्किप मत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोडियम एस्टेमाइट स्मेल्स। ऑप्शंस आर गार्लिक लाइक रॉटन एग, प्लीजेंट या फिर रेमिनिसेंट्स ऑफ माइस। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, सोडियम एसिटेमाइड स्मेल्स रेमिनिसेंट्स ऑफ माइस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ इथेनॉल एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड विद सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट्स इन। ऑप्शंस आर एल्डिहाइड, ईथर्स, हाइड्रोक्सी एसिड्स या फिर कीटोन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, ईथर्स। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ इथेनॉल एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड विद सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट्स इन ईथर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और डिवाइस यूज इज। ऑप्शन आर जीजर मुलर काउंटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या फिर पिकनोमीटर। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, जीजर मुलर काउंटर। टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अ डिवाइस यूज इज जीजर मुलर काउंटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सटेंस यूज एज अ स्मोक स्क्रीन इन वॉरफेयर इज। ऑप्शंस आर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, फॉस्फेट क्लोराइड या फिर फॉस्फेट पेंटाक्लोराइड या फिर फॉस्फिन या फिर एसिटिलीन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। द सब्सटेंस यूज्ड एज अ स्मोक स्क्रीन इन वॉरफेयर इज सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शंस आपके पास दिए गए थे, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फिन और एसिटिलीन। तो यह तीनों जो ऑप्शन है वह गलत है और ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज अ सब्सटेंस यूज्ड एज अ स्मोक स्क्रीन इन वॉरफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडिकेटर यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज। ऑप्शंस आर फिनॉल फिथेलिन, मिथाइल ऑरेंज, एलिजेरिन येलो या फिर रेड लिटमस। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल ऑरेंज इज द करेक्ट आंसर। द इंडिकेटर यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज मिथाइल ऑरेंज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल द एंजाइम यूज्ड इज। ऑप्शंस आर इनवर्टेज, जाइमेज, माल्टेज या फिर सुक्रोज। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, जाइमेज इज द करेक्ट आंसर। इन द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल द एंजाइम यूज्ड इज जाइमेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैरा एल्डिहाइड इज यूज्ड एज अ। ऑप्शंस आर एनेस्थेटिक, पॉलीमर, पॉइजन या फिर डाई। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, पैरा एल्डिहाइड इज यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रबर हीटेड विथ सल्फर इज द प्रोसेस ऑफ। ऑप्शंस आर गैल्वेनाइजेशन, डेसिमराइजेशन,
वल्केनाइजेशन या फिर सल्फोनेशन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। बहुत बार क्वेश्चन एचपी टेट में रिपीट होता है, रबर हीटेड विद सल्फर इज द प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू अ कोलॉइड इट, ऑप्शंस आर कोगुलेट्स, गेट्स डाइल्यूटेड, प्रेसिपिटेट्स या फिर डज नॉट चेंज। करेक्ट आंसर इज द व्हेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू अ कोलॉइड इट कोगुलेट्स। ऑप्शन नंबर ए। हर बार एचपी टेट मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों में ही ये क्वेश्चन, यह जो क्वेश्चन है वह घुमा फिरा के पूछा जाता है। इसका आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। जब कोलॉइड में एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है तो वह कोगुलेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्टली यूज्ड कंपाउंड इन फोटोग्राफी इज, फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर फ्लोराइड। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। सिल्वर नाइट्रेट इज द करेक्ट आंसर। द मोस्टली यूज्ड कंपाउंड इन फोटोग्राफी इज सिल्वर नाइट्रेट। यह क्वेश्चन भी एचपी टेट में बार बार पूछा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड जो है वह फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ऑन हीटिंग गिव्स, ऑप्शन आर फॉस्फिन, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड, फॉस्फोरस एसिड या फिर मेटाफॉस्फोरिक एसिड। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड ऑन हीटिंग गिव्स मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल वेयर एज पैरा नाइट्रोफिनॉल इज नॉट। दिस इज ड्यू टू ऑप्शन आर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन पैरा नाइट्रोफिनॉल या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल वेयर एज पैरा नाइट्रोफिनॉल इज नॉट। दिस इज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल सॉल्ट इज, ऑप्शन आर ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, हाइपो या फिर पोटेश एलम। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। पोटेश एलम इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अ कोलॉइड इन विच द डिस्पर्स्ड फेस इज अ लिक्विड एंड द डिस्पर्सन मीडियम इज अ सॉलिड इज, ऑप्शन आर इमल्सन, एरोसॉल, जेल या फिर फोम। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, जेल्स। अ कोलॉइड इन विच द डिस्पर्स्ड फेस इज अ लिक्विड एंड द डिस्पर्सन मीडियम इज अ सॉलिड इज जेल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हर बार एचपी टेट में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद ऑयल ऑफ बीटर एलमंड्स कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड बेंजल डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड, दीज आर नोन एज, ऑप्शन आर आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस, शिफ्स रिएजेंट, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट या फिर शिफ्स बेस। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, शिप्स फेस। व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद ऑयल ऑफ बीटर एलमंड्स कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड बेंजल डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड, दीज आर नोन एज शिप्स बेस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन 246 पॉजिट्रॉन ऑफ एनिलीन इज ड्यू टू द, ऑप्शन आर इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट या फिर नेबरिंग ग्रुप इफेक्ट। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, इंडक्टिव इफेक्ट। द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन 246 पॉजिट्रॉन ऑफ एनिलीन इज ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड विच कुड एक्ट बोथ हैज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज, ऑप्शन आर सल्फर डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड या फिर क्रोमियम ऑक्साइड। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड इज द कंपाउंड विच एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट।
देन लास्ट क्वेश्चन इज द एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज, ऑप्शंस आर बोरोन ट्राईफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, बोरोन ट्राईफ्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. तो आज हम 20 ही क्वेश्चंस करेंगे, टोटल आपके 50 क्वेश्चंस हो गए हैं. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टू क्लासेस में हम टोटल 50 क्वेश्चंस कर लेंगे. तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही. ये आपके टॉप 100 जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे. अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. बाय बाय, टेक केयर.